बारे दुनिया में रहो गमजदा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। इरना सैंडलर सदियों तक याद रहेंगी, पीढ़ियों तक, अपने साहस के लिए, अपनी समाज सेवा के लिए और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदी जिंदगियों को बचाने के लिए। 15 फरवरी 1910 को पोलैंड में जन्मी इरना सैंडलर्स का बचपन यहूदी समुदाय को देखते हुए बीता था। उनके जीवन को, उनकी मान्यताओं को, उनकी संस्कृति को महसूस करते हुए बीता था। उनके पिता इलाज किया करते थे यहूदी रोगियों का और उसी दौरान इन्फेक्शन की वजह से उनकी मृत्यु भी हुई। पिता की मृत्यु के बाद इरना के परिवार पर तमाम आर्थिक परेशानियां आईं, पर उन आर्थिक परेशानियों को बहुत आसान बना दिया यहूदी समाज के साथ ने, उनके नेताओं के साथ ने। पोलैंड के इसी यहूदी समुदाय पर एक कहर सा गिर पड़ा 1939 में, तब जब हिटलर ने एक जंग छेड़ दी यहूदियों के खिलाफ, तब जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब जब जर्मन सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, पोलैंड पर कब्जा कर लिया और आदेश दिया पोलैंड के हर निवासी को कि कोई भी यहूदियों की मदद नहीं करेगा और अगर किसी व्यक्ति ने भी यहूदियों की मदद की तो सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके परिवार को, उसके खानदान को सिरे से खत्म कर दिया जाएगा। पर इरना इन धमकियों से डरने वाली नहीं थी, वो यहूदियों की मदद करती रही। पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, करीब 3000 जाली कागजात बनवाए और न जाने कितने यहूदी परिवारों की मदद की पोलैंड से निकलने में और अपने जीवन की रक्षा करने में। बारे दुनिया में रहो गमजदा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। हिटलर का कहर किसी को भी नहीं छोड़ता था, मासूम भोले भाले प्यारे बच्चों को भी नहीं। अगस्त 1943 में इरना ने जिम्मेदारी उठाई मासूम यहूदी बच्चों को बचाने की, एक रास्ता निकाला। पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की कर्मचारी होने के नाते उन्होंने जर्मन ऑफिशियल्स को ये समझाना चालू किया कि यहूदी बस्तियों में महामारी फैलने की आशंका है और जल्दी ही कुछ स्वच्छता के लिए नहीं किया गया तो महामारी दूसरे भागों में भी फैल सकती है। चाल काम कर गई और इरना हेल्थ इंस्पेक्शन के बहाने से यहूदी बस्तियों में जाने लगी, उनके बच्चों को बचाने लगी, कभी गठरी में बांधकर, कभी सूटकेसेस में रखकर, कभी एम्बुलेंस की मदद से और कभी ट्रैम की मदद से पहुंचाने लगी बच्चों को उन पोलैंड के परिवारों के पास जो सहानुभूति रखते थे यहूदियों से, उनके बच्चों से। और इस पूरे मिशन के दौरान वो एक लिस्ट बनाती रहीं उन बच्चों की जिनको वो बचाती रही थी, इस उम्मीद से कि एक दिन सब सही हो जाएगा और वो इन बिछड़े हुए बच्चों को उनके माँ बाप से मिला देंगी। पर इरना बहुत ज़्यादा दिन जर्मन ऑफिशियल्स की निगाह से बच नहीं पाई। जर्मन सेनाओं ने गिरफ्तार कर लिया उन्हें, प्रताड़ित किया और मौत की सजा सुनाई। मौत की सजा मिलने ही वाली थी कि इरना गार्ड को रिश्वत देकर वहां से बच निकली। कोई और होता तो पोलैंड छोड़कर निकल जाता, वापस नहीं आता, पर इरना इरना थी। वापस आई और जुट गई फिर से अपने मिशन में, यहूदी बच्चों को बचाने के मिशन में। बारे दुनिया में रहो गमजदा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इरना ने एक लंबा जीवन जिया 98 साल का और 2008 में वो इस दुनिया से चली गई। 98 साल के लंबे जीवन में इरना को बेपनाह सम्मान मिला, तमाम अवार्ड्स मिले। 2007 के नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेशन हुआ था उनका। पर इन सबसे बड़ी बात यह है कि इरना ने अपने साहस से और अपनी सेवा से हम सबको जीने की अदा सिखाई, न जाने कितने लोगों की जान बचाई, एक पूरी पीढ़ी को जीवन दान दिया। वो लिस्ट जो इरना और इरना के साथियों ने
विश्व युद्ध के दौरान यहूदी बच्चों को बचाते वक्त एक जार में भरकर जमीन में गाड़ दी थी। उस लिस्ट को जब विश्व युद्ध के बाद जमीन से निकाला गया तो उसमें करीब 2500 बच्चों के नाम थे, जिसमें 400 तो वो बच्चे थे जिनको अकेले इरना ने बचाया था। 400 तो वो नाम थे जिनको पहचान अकेले इरना ने दी थी। पर जब इस साहस के लिए इरना को सम्मान दिया गया तो इरना ने बहुत शालीनता से कहा कि ये लिस्ट, ये नाम, ये जीवन, ये बच्चे मेरे लिए प्रसिद्धि का जरिया नहीं हो सकते, बल्कि सत्य तो ये है कि हर बच्चा जो मेरी मदद से बचाया गया वो मुझे थोड़ी सी ताकत देता है कि मैं पृथ्वी पर रह सकूं, पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के औचित्य को साबित कर सकूं। ये लिस्ट, ये नाम, ये जीवन, ये बच्चे मेरे लिए प्रसिद्धि का जरिया नहीं है, प्रसिद्धि का जरिया नहीं हो सकते, मुझे याद रखा जाने के लिए कारण नहीं बन सकते। बारे दुनिया में रहो गमजदा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो।